ओके सो हाय गाइस, वास्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने भी बैकग्राउंड पेज का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस, जो इस वीडियो में जो हमारा कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट है वो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो गाइस अगर आपने वो पार्ट स्किप कर दिया तो गाइस आपकी जो एडिटिंग होगी वो गाइस जब आप एडिटिंग करोगे तो गाइस आपकी कलर करेक्शन जो है वो गाइस ख़राब हो सकती है, तो इसलिए गाइस कलर करेक्शन वाला पार्ट जरूर देखना। भाई गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार बैकग्राउंड पेजेस ढूंढने और बनाने में, तो गाइस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे पहले जो क्वेरीज में अपने मॉडल का यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा, एंड इतना परफेक्ट है। एंड गाइस आपको जो आपका मॉडल है उसका साइज आपको कितना रखना है वो मैं बता देता हूँ। सो गाइस आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को पीकॉक का पीएनजी। तो गाइस ये जो पीकॉक है गाइस इसका जो साइज है आपको फुल स्क्रीन करना है, एंड की स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को जो आपका मॉडल है उसका भी साइज गाइस आपको इसी के हिसाब से रखना है। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले गाइस अपने मॉडल को ऊपर लाने के लिए हमें इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उसको ऊपर क्लिक करना पड़ेगा एक बारी, एंड इसको आपको करना पड़ेगा मूव डाउन। तो वैसे वो जैसे ही मूव डाउन हो जाएगा आपका जो मॉडल आगे की तरफ आ जाएगा, तो आपको वापस इसे मूव बैक कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से जो है साइज अपनी फोटो के रख लेना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर जो है मतलब कि आपको जो वेस्ट वाला एरिया है उनको रिलीज करना पड़ेगा, मतलब कि जो फोटो का पिकॉक के जो बाहर में जो भी मतलब मॉडल का एरिया आ रहा है उन सभी को आपको इरेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ से जाएंगे इरेजर टूल में, एंड यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करेंगे, एंड हार्डनेस फुल कर लेंगे, एंड कुछ स्टेप्स हम यहाँ पर फटाफट इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको गाइस क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। सो ऐड फोटो में जाएंगे, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ऐड करेंगे आई लेंस का पीएनजी, ठीक है। तो अभी गाइस कुछ भाइयों को लग रहा होगा यार ये तो रेड है बट हमें तो ब्लू चाहिए, तो गाइस ब्लू करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना गाइस एडजस्ट में, एंड यहाँ से जाना आपको ह्यू में, एंड उसको आपको ऊपर नीचे करना है, आपको जो है ये ब्लू कलर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो जैसे ही गाइस देखिए 159 पे रखा, तो गाइस देखिए हमें जो है सेम ब्लू कलर मिल गया, तो आप लोगों को भी ऐसे ढूंढना है। तो यहाँ पे हम इसको जूम करेंगे, एंड कुछ इस टाइप से जो अपनी जो मॉडल है हमारे उसके आई के ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे फिट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस जो भी बैकग्राउंड पेजेस है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना कि यार कैसे डाउनलोड करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो अभी आपका आपको ये करना है, आपका इरेजर टूल में जाकर आपको जो आई का जो वेस्ट वाला एरिया आ रहा होगा बाहर की तरफ आपको उसको कर देना इरेज, एंड इतना परफेक्ट है। अब हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा के देख लेते हैं, एंड गाइस यहाँ पे देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है हमारी फोटो, तो यहाँ पे हम इतना रख लेते हैं, एंड इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डन, ठीक है। सो डन हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस अब यहाँ से जो है फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको अपनी फोटो को क्या करना है, आपको यहाँ से जाना लाइट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे उसका कॉन्ट्रास्ट कम करना है, हाईलाइट है जो गाइस इसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस फोटो में शेडो है इसको बढ़ाना है, एंड जो व्हाइट कलर है इसको कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको जाना कलर्स में, आपको वाइब्रेशन कम करना है, एंड जो टेम्परेचर है फोटो में उसको कम करना है ताकि फोटो में जब ब्लू टोन बनी रहे। फिर जाना आपको कलर मिक्स में और कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस है जो बढ़ा देना है, ठीक है। फिर येलो कलर में जाना आपको, उसको ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस करना है ताकि जो फेस है वो ब्राइट हो जाए। एंड उसको जाना आपको डार्क ब्लू में, आप चाहो तो यहाँ पे पिको का कलर चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे हम सैचुरेशन प्लस रखेंगे एंड ह्यू को माइनस रखेंगे, उसके बाद हम इसको कर देंगे डन। अब गाइस आपको ये करना, आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ पे गाइस आपको अपनी फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, एंड फोटो में जो विग्नेट है वो डालना अपने होड़े, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको नीचे ग्रेड अमाउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ाना है, एंड इतना कर देने के बाद आपको जाना दूसरे वाले टूल में, एंड वहाँ पे आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट रिडक्शन डालना है, फोटो में कलर नोट रिडक्शन भी डाल देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आए गए हो तो यार इन दोनों में से कोई भी वीडियो को क्लिक करो, एंड गाइस कोई भी वीडियो को वॉच करो, या अगर आप इसके अलावा कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, तो आप वहाँ जाकर कोई भी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।